मणिपुर में न हिंसा थमने का नाम ले रही है, न ही माहौल में कुछ बदलाव हो रहा है। अब एक सनसनीखेज वीडियो सामने आया है जिसे देखकर लोगों में आक्रोश फूट पड़ा है। वहीं उस वीडियो पर सीजीआई ने भी चिंता जताई है। नमस्कार, मैं हूं सत्या द्विवेदी आपके साथ और आप मुझे देख रहे हैं लोकमत हिंदी पर। मणिपुर से एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया है जिसमें एक पूरी भीड़ दो महिलाओं को नग्न अवस्था में घुमा रही है। वीडियो सामने आने के बाद देश भर में हंगामा मच गया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कहा कि हम वीडियो देखकर बहुत ही डिस्टर्ब हैं। दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लिया। केंद्र से जवाब भी मांगा है। केंद्र और मणिपुर से पूछा कि इस मामले में क्या कदम उठाए गए हैं। सीजीआई ने कहा कि लोकतंत्र में ये स्वीकार्य नहीं है। इस मामले में अगले शुक्रवार को सुनवाई होगी। सीजीआई ने कहा कि एक लोकतांत्रिक देश में इस तरह की घटना बर्दाश्त नहीं की जा सकती है। महिलाओं के अधिकारों को लेकर इस प्रकार की घटना अंतर आत्मा को हिला देने वाली है। ये संविधान के अधिकारों का हनन है। सीजीआई ने कहा कि मणिपुर में एक महिला पर यौन उत्पीड़न और हिंसा के संबंध में सामने आए इस वीडियो से अदालत बहुत ही परेशान है। मीडिया में दिखाई देने वाले दृश्य घोर हिंसा और मानव अधिकारों के उल्लंघन का संकेत देते हैं। ऐसे माहौल में हिंसा के साधन के रूप में महिलाओं का उपयोग अस्वीकार्य है। सीजीआई ने आगे कहा कि राज्य और केंद्र सरकार द्वारा उठाए गए सभी कदमों से अदालत को अवगत कराया जाना चाहिए, साथ ही भविष्य में ऐसा ना हो ये भी सुनिश्चित करें। मामले में अगली सुनवाई 28 जुलाई को होगी। बता दें कि इंडिजेंस ट्राइबल लीडर फोरम का आरोप है कि गैंग रेप के बाद महिलाओं को नग्न अवस्था में घुमाया गया। ये घटना 4 मई की बताई जा रही है। ITLF का दावा है कि गैंग रेप की घटना राजधानी इम्फाल से 35 किलोमीटर दूर कांगपोकपी इलाके में हुई। वीडियो में लोग बदसुलूकी करते हुए नजर आ रहे हैं और दोनों महिलाएं रहम की भीख मांग रही हैं। पीड़ित महिलाएं कुकी जनजाति की हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए लोकमत हिंदी को जरूर सब्सक्राइब करें।